गाइस आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन करते हैं, केक वगैरह जो काटते हैं, उसके पीछे की रियल हिस्ट्री क्या है। तो ये बात है यूनान की, क्योंकि यूनान के अंदर जो लोग रहते थे उन्हें पेगन्स कहा जाता था। पेगन्स का मतलब कि वहाँ के वो लोग जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस पर्सन थे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी जो लोग थे। तो उन लोगों का ऐसा बिलीव था कि जिस दिन जिस आदमी का जन्म दिवस होता था उसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, वो मंडराता रहता है। उससे बचने के लिए वो लोग एक मंदिर में जाते थे, एक देवी के, उस देवी का नाम था आर्टिमिस। और आर्टिमिस देवी के मंदिर में जाकर वो वहाँ पर एक केक की बलि दिया करते थे, क्योंकि जो देवी थी वो वेजिटेरियन थी, इसलिए वो केक को ही काट कर देवी को खुश किया करते थे। और वो क्या करते थे कि एक कैंडल जलाते थे, और फिर क्योंकि उन लोगों का ऐसा बिलीव था कि रोशनी के अंदर जो बुरी आत्मा है वो भाग जाती है, फिर कैंडल को बुझा दिया जाता था और दुआएं की जाती थी, क्योंकि उन लोगों का बिलीव था कि अंधेरे के अंदर दुआएं वो जल्दी कबूल होती है। और फिर वो जोर जोर से क्या है कि शोर मचाते थे। और उनके पीछे का ये तथ्य था कि आज जैसे हम लोग जब बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो आखिर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि जोर जोर से क्लैपिंग वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों का भी बस यही एक था। और आर्टिमिस देवी को डायना भी कहा जाता है, जो कि यूनान की एक देवी थी। और ये करीब जो घटना है ये ईसा के जन्म से पहले की है। और आज भी क्या है, अच्छा उन लोगों के एक और बिलीव था, वो लोग ऐसा भी बिलीव करते थे कि जो जिस आदमी का जब जन्मदिन होता है तो उस दिन उसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया कहीं उसको पहचान ना ले, इसके लिए वो लोग क्या करते थे कि उसको उसके चेहरे के ऊपर क्या था कि वो जो केक था उसके चेहरे के ऊपर मल देते थे, ताकि जो आत्मा है उस व्यक्ति को ना पहुँचा पाए, नुकसान ना पहुँचा पाए। ठीक है।